In this video, we are going to start with a UV visible spectroscopy, that is, ultraviolet visible spectroscopy. And in this particular video, we will be mainly focusing on the principle and the basic theory behind it. Okay, so it is a quantitative technique that is used to measure how much a chemical substance absorbs light. प्रीवियसली जो हमने एनालिसिस पढ़ी थी उसमें हमने जो हमारी ऐसी क्लासिकल टेक्निक्स थी जो हम पुराने टाइम पर यूज़ करते थे ग्रेविमेट्री हो गई टाइटरीमेट्री हो गई एसिड बेस टाइट्रेशन रिडॉक्स कॉम्प्लेक्सोमेट्री एट्सट्रा ठीक है बट नाउ दिस इज अ मॉडर्न टेक्निक और ये हमारी फर्स्ट टेक्निक है जो हम पढ़ने वाले हैं हमारे सिलेबस में तो एक ऐसी क्वांटिटेटिव टेक्निक जिसमें हम एनालाइज करेंगे कि हमारा कोई भी पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस कितनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है दिस कैन बी डन बाय द यूज़ ऑफ दिस टेक्निक दैट इज यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इसका प्रिंसिपल क्या है दैट इट इज़ डन बाय मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ सैम्पल विध रिस्पेक्ट टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट थ्रू अ रेफरेंस सैंपल और अ ब्लैंक ब्लैंक क्या ब्लैंक टाइट्रेशन हमने पढ़ा था हम क्या कर देते थे हमारा जो स्टैंड हमारे पास जो सैंपल था हम उसको करते थे अनालिज उसके अलावा हम एक स्टैंडर्ड लेते थे सैम्पल उसके एनालिसिस करके फिर हम दोनों को कंपेयर करते थे तो सिमिलरली हम इसमें क्या करते हैं हमारा सबसे पहले हम एक सैम्पल लेते हैं और एक रेफरेंस लेते हैं ठीक है क्यूबिट में उसको आप जब हम इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर ठीक है फिर हम उन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं दोनों की हम इंटेंसिटी पहले तो एनालाइज करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे ठीक है सो द रीजन दैट इज इंक्लूडेड इन इट इज़ टू टू फोर नैनोमीटर्स हमारा आ जाएगा यू वी में और एट टू विजिबल रेडिएशन एंड दिस टू टू फोर नैनोमीटर एनोमीटर वाला इज़ हाईली अनर्जेटिक ठीक है इट इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन ऑफ मॉलिक्यूल हमारे जो यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी

फॉर्म करके और आ, कुछ एक्साइटेशन शो करते हैं ठीक है विद ऑब्जॉर््पन ऑफ लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ जैसे जैसे लाइट एबजॉर्ब होती रहती है वैसे वैसे हमें ये जो शिफ्ट हैं ये देखने को मिलती हैं इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिकली कंपेयर द लाइट बाय द मॉलिक्यूल एंड द सॉल्वेंट एंड रिकॉर्ड्स द सिग्नल इन दिस वे वी गेट अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ठीक है क्या होता है हमारे जो हमारा मतलब हमने पहले डिस्कस करे कि जो सैंपल और रेफरेंस है खुद ब खुद क्या होता है ये जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है दोनों में ये कंपेयर होती रहती है और जो सिग्नल्स हैं वो रिकॉर्ड होते रहते हैं और इससे हम बहुत ज्यादा बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं दैट यू विल सी इन द एप्लीकेशन ऑफ इट ओके द इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड और लोन पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है जो एक हमारे होते हैं सिग्मा बॉन्ड्स हम सबको पता है एक होते हैं हमारे पाई बॉन्ड्स और हमारे लोन पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में शिफ्टिंग होके वी वी जनरली ऑब्जर्व दिस चेंजेस ऑफ द एक्साइटेशन ठीक है ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं नॉन बॉन्डिंग दिस वी हैव द सिग्मा सॉरी दिस वी हैव द सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल दिस इज पाई एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल दिस इज द पाई बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड दिस इज द सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल ओके तो इनके बीच में आपस में जो शिफ्टिंग होती है हमारी हमें इसके इससे चार तरह के जो बॉन्ड्स है यूजुअली हमें ऑप्टेन होते हैं जो हमने एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग लिख रखे हैं फर्स्ट इज द सिग्मा सिग्मा जो हमारे बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल एंड द सिग्मा एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल्स ठीक ये हमारे सबसे ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी प्रेजेंट होती है ओके नेक्स्ट आ द नॉन बॉन्डिंग एंड द सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल्स नेक्स्ट वी हैव द पाई एंड द पाई एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल्स दैट इज द पाई बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल आई मी एंड नेक्स्ट वी हैव द नॉन बॉन्डिंग एंड दी पाई एंटीबॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल तो जो हमारे ये पाई बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल्स हैं और नॉन बॉन्डिंग सॉरी पाई बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स जो हैं ये दोनों हमारे होते हैं सबसे ज्यादा लो एनर्जी मालिकुलर कंपाउंड्स और ये सबसे ज्यादा यूजफुल हैं इन द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी ठीक है सो दिस इज़ इट अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इन द कमिंग वीडियो वी विल बी स्टडिंग अबाउट कि कौन कौन से लॉज इंक्लूडेड हैं इन इट